हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आर्या चैनल। आज मैं आपको एक और क्रिएटिव चीज बताऊंगी फ्रेंड्स, हम पॉम पॉम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप किसी भी कलर की ऊन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह बनाए थे, तो उसमें से बची हुई ऊन है। तो फ्रेंड, इसे हम अपनी उंगली पर रोल करेंगे। बस मैं पहले छोटा वाला बनाती हूँ। दो उंगली निकालिए और उस पर इसको रोल कर लीजिए कम से कम 25 बार। फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी उंगलियों पर रोल कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे बाहर निकालेंगे अपनी उंगली से। आप जितना रोल करेंगे फ्रेंड्स इसको, उतना ही बड़ा और उतना ही अच्छा ये बनेगा। उंगली से बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स, आप इसको टाइटली इस टाइप से बांध दीजिए, अच्छे से, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप इसको गांठ लगा दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं इसको 4-5 बार बांध देती हूँ, गांठ लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें गांठ लगा दी है। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम कट कर कर साइड कर देंगे फ्रेंड्स। धागा कट करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारे दोनों कॉर्नर है, इसके अंदर हमें अपनी कैंची घुसाकर इनको काट देना है फ्रेंड्स, कट लगा देना है अच्छे से। फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको यूं यूं खोल लेंगे फ्रेंड्स, इस टाइप से इसको इक्वल सा बना लेंगे, इस टाइप से खोल खोल के इक्वल कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हो गया ये। इसके बाद ये जो हमारे बड़े छोटे हैं, इन सब की हम कटिंग कर देंगे, तो ये देखने में पॉम पॉम जैसा बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। सभी तरफ से एक बराबर इसकी कटिंग करनी है। बस आप ऐसे घुमाते जाइए और कट करते जाइए। इसमें थोड़ी सी ऊन का वेस्टिंग तो है फ्रेंड्स, बट ये काम बहुत आता है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसके बहुत यूजेस हैं, मैं अगले कुछ वीडियो में इसका यूजेस आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। आप इसको छोटे से छोटा कट कर लीजिए तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आप इसको काटते जाइए। आप इसको जितना छोटा काटेंगे उतना देखने में ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आप काट लीजिए इसको। मैं थोड़ा सा और कट करती हूँ, अभी ये बड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पॉम पॉम बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको इससे बड़ा बनाकर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ऊन को अपने 4 फिंगर पे फोल्ड करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको भी आप कम से कम 25 बार रोल बना लीजिए ऐसे, इस टाइप से फ्रेंड्स। बस हमें रोल बनाना है, 25 बार बना लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी उंगली पर अच्छे से रोल कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसे अपनी उंगलियों से बाहर निकालूंगी। और इस बार फ्रेंड्स, मैं इसे दूसरे मेथड से आपको बांध कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी ऊन कट की है हमने, और इसे ऊन को नीचे रखिए और धागे को इसमें पिरो कर फ्रेंड्स, एक बार ऐसे लपेट कर और इसमें अच्छे से नॉट लगा दीजिए फ्रेंड्स। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। किसी से हाथ से गांठ नहीं लगती है तो वो इस टाइप से नीचे रख के भी इसमें गांठ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2-3 बार गांठ लगा लीजिए फ्रेंड्स। मैंने इसमें अच्छे से नॉट लगा ली है टाइटली। और फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है कि जो हम ये नॉट लगाते हैं ये बिल्कुल सेंटर में हो फ्रेंड्स। इसके बाद बस कैंची से इसे काट दीजिए, जैसे हमने छोटे वाला किया था वैसे ही हम बड़े वाला करेंगे फ्रेंड्स। दोनों तरफ से बीच में कैंची घुसाइए और इसको काट दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, इस टाइप से सारे कट जाएंगे। और बस फिर हम इसे ऐसे खोल लेंगे फ्रेंड्स, इसकी एक गोल शेप बना लेंगे फ्रेंड्स, इस टाइप से खोल खोल के। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से जब ये हमारा खुल जाएगा, गोल शेप हमें दिखने लगेगी, तो फिर हम इसे साइड साइड से काट देंगे फ्रेंड्स। इसकी गोल शेप आ गई है। इसके बाद हम साइड साइड से इसको यूं कट कर देंगे फ्रेंड्स। पहले छोटे छोटे कट करेंगे, अगर शेप अच्छी आ रही है तो हम रहने देंगे, अगर शेप अच्छी नहीं आ रही है तो हम इसको और कट कर लेंगे। इस टाइप से फ्रेंड्स, आप इसको इक्वली चारों तरफ से कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस टाइप से आप इसको काटते रहिए और ये पोम पोम की शेप ले लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से काटते काटते बस ये पोम पोम के जैसे दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों आपको एक साथ दिखाती हूँ। ये हमारा बड़ा पोम पोम है और ये हमारा छोटा है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी हमारे पॉम पॉम बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने ये अपनी बची हुई वेस्ट ऊन से बनाया है। मैंने स्वेटर बनाए थे फ्रेंड्स, इतनी जरा सी वेस्ट ऊन ही थी मेरे लिए, मैं इसके कुछ भी नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने इससे आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और ये पॉम पॉम बनाकर आपको दिखाए हैं फ्रेंड्स। आप भी घर पर इसी टाइप से कुछ
दिमाग लगाइए, आइडिया लगाइए और कुछ क्रिएटिव कीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।